हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पैट। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कि ऑप्शन बायर्स कैन मेक मनी और नॉट। अगर मैं पहले एकदम पहले एक शब्द में इसका आंसर देना चाहता हूँ, येस, ऑप्शन बायर्स कैन मेक मनी एंड दैट ऑल्सो कैन मेक गुड मनी। बट इसमें बहुत सारा पॉइंटर्स है जो हम लोग को जानना है, समझना है, वो सब आज हम लोग बात करेंगे। और जो मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिया है, और टाइटल में और सॉरी थंबनेल में जो दिया है, येस इट इज़ पॉसिबल कि हाँ कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है, और ये थोड़ा जो मैंने दिया ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन और भी इजी कुछ है जो आप लोग करके आप लोग अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। और जो मैंने दिया है थंबनेल में भी और मेरा जो टाइटल में भी है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आउटलायर्स टाइप का हो जाता है कि ये बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, लेकिन हो जाएगा। तो कैसे करना, इसके भी सिस्टमेटिक वे पे करेंगे तो भी हो जाएगा। तो कैसे करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट बात करते हैं उसके बारे में। जो 10 की पॉइंट है ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। पहले ये 10 देख लो, उसके बाद इसको लिख कर रखो, और जो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा हर एक चीज़ को ध्यान से सुनो, हो सके तो लिख कर रखो। फॉलो 2 to 5 स्ट्रैटेजीज, नॉट मोर देन दिस, ठीक। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 से 5 स्ट्रैटेजीज ही ज़्यादा रखना, ज़्यादा नहीं करना कि आज मैंने मूविंग एवरेज पे काम किया, कल RSI पे काम किया, कल मैंने ट्रेंड लाइन पे काम किया, कल मैंने उसमें काम किया, फलाना ढिमकाना ज़्यादा नहीं रखना। 4-5 मैक्सिमम स्ट्रैटेजी रखो, जैसे बहुत सारे जो भी रखना है, मान लो ओवर भी रखना है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट रखना है, या फिर 5 मिनट ब्रेकआउट रखना है, जो भी है जो भी करना है, आप 4-5 स्ट्रैटेजीज मैक्सिमम रखो, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 3 ट्रेड इन ए डे, समझ में आया, मैक्सिमम 3 ही ट्रेड लेना है दिन में, वो भी आपको पता चलेगा। फर्स्ट ट्रेड अगर देखो, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल, सेकेंड ट्रेड स्टॉप लॉस, शट डाउन योर ट्रेडिंग सिस्टम, शट डाउन करना है अपना ट्रेडिंग सिस्टम को। फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस, सेकेंड ट्रेड प्रॉफिटेबल, देन ऑल्सो शट डाउन योर ट्रेडिंग सिस्टम। फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस, सेकेंड ट्रेड स्टॉप लॉस, शट डाउन योर ट्रेडिंग सिस्टम। फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल, सेकेंड ट्रेड प्रॉफिटेबल, देन ओनली थर्ड ट्रेड, ठीक है। तो समझ में आया आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सही तरह से हो जाएगा, और सब कुछ आपका जिस दिन प्रॉफिट होगा, जिस दिन आपका दिन होगा, उस दिन आप उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। आज का दिन जो आज जिस दिन आपका दिन होगा आप उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। ओनली एक्सपायरी ट्रेडिंग, आजकल हर दिन एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप का है, ट्यूजडे को फिन निफ्टी का है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का है, थर्सडे को निफ्टी का है, फ्राइडे को सेंसेक्स और बैंक एक्स का दिन है। मैक्सिमम रिक्स पर डे 2% ऑफ योर ऑप्शन बाइंग कैपिटल, हाँ, मैक्सिमम रिक्स पर डे। अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है तो 4,000 मैक्सिमम रिक्स होगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन बाइंग का जो आपका कैपिटल होगा, आपका 10 लाख कैपिटल है, आप 5 लाख स्विंग ट्रेडिंग में करते हो, तो 5 लाख का आपका स्विंग ट्रेडिंग वाला कैपिटल हो, आपका ऑप्शन बाइंग का कैपिटल नहीं है, आपका ऑप्शन बाइंग का कैपिटल 5 लाख ही होगा, ठीक है। मिनिमम रिक्स रिवार्ड रेशियो 1:3 इन फर्स्ट ट्रेड, 1:4 इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड में कितना रखना है, 1:3 फर्स्ट ट्रेड में, सेकेंड ट्रेड में कितना रखना है, 1:4, और थर्ड ट्रेड में भी रखना है 1:4। इफ फर्स्ट ट्रेड इज प्रॉफिटेबल, देन इंक्रीज योर रिस्क एट ए बिट इन सेकेंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो सेकेंड ट्रेड में आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इफ योर सेकेंड ट्रेड इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल, देन अगेन इंक्रीज योर रिस्क इन थर्ड ट्रेड मोर देन सेकेंड ट्रेड। अगर सेकेंड ट्रेड में आपने मान लो 2000 का रिस्क लिया फर्स्ट ट्रेड में, 2000 का रिस्क लिया, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, 2000 का रिस्क लिया फर्स्ट ट्रेड में, देन अगेन आपने मान लो कि सेकेंड आपका ये प्रॉफिटेबल हुआ, 6000 का आपका प्रॉफिट हो, 1:3 में 6000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 6000 का प्रॉफिट होने से नेक्स्ट ट्रेड में आप 2500 का रिस्क ले लो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड में सेकेंड ट्रेड में 2500 का रिस्क ले लो, 2500 का ले लो रिक्स ले, 2500 के इसमें भी प्रॉफिट हो गया, 1:4 मतलब 10,000 का प्रॉफिट हो गया, आपका 6,000 गेन में हो, तो आप नेक्स्ट ट्रेड में 3,500 का रिक्स ले लो। गया तो 3,500 जाएगा, मतलब 16,000 से 3,500 जाएगा, तो आपका 12,500 रहेगा, वैसा टाइप का होगा, ठीक है। आपको इसको ऐसा करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, 10 पॉइंट समझ में आया, तो फिर भी आप लिख के रख लो इसको, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बाकी जो कैसे करना है आपको। मैं आपको एक एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ, एक्सेल शीट को अच्छे से देखो। यहाँ पर देखो 2 लाख का कैपिटल है, हाँ 2 लाख का कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल 2 लाख। यहाँ पर सिर्फ 2 महीना का ट्रेड है, 50 ट्रेड है, क्योंकि मैंने 10 दिन 3 ट्रेड दिया, 10 दिन में 3 ट्रेड है, और बाकी हर दिन 2 ट्रेड हुआ है। अब इसमें देखो कितना रेड है, सिर्फ 1:2 मतलब 1:7, 70% आपका लॉस मेकिंग डे है, 30% दिन है आप प्रॉफिटेबल हो। फिर भी आप देखो आपका 2 लाख का कैपिटल कितना बन जाता, देखोगे आप, आपका 2 लाख का कैपिटल देखो कितना बन गया,
2.79। और इसमें भी एक चीज़ मैं आपको मैं बताऊंगा जो आपने फॉलो नहीं किया होगा। 2.7 मतलब 2,80,000 हो गया आपका, 2 लाख का कैपिटल, 80,000 का आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और वो भी कैसे, कैपिटल आफ्टर ब्रोकरेज एंड चार्जेस, मैंने इसमें चार्जेस ब्रोकरेज भी प्लस किया है, और हालांकि ज़्यादा ही किया है। इसमें देखो आप एक चीज़ देखो, इसमें नोटिस करो, जो ये सब ट्रेड में है मैंने 8,000 दिया, क्योंकि 6,000 होने के बाद 2,500 रिस्क लेता, 8,000 नहीं होता ना, 10,000 होता, फिर भी मैंने 8,000 किया, क्योंकि मतलब इसको मैंने थोड़ा मिनिमलिस्टिक रखा ताकि एक रियलिस्टिक लगे, रियलिस्टिक अप्रोच हो, कि रियलिस्टिक ही है जो मैं 10,000 का बोलो वो भी रियलिस्टिक है। लेकिन फिर भी आप लोग शायद बिगिनर्स हो तो इतना नहीं कर पाओगे, आप लोग को प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से तो नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें 8,000 ही दिया। नेक्स्ट वाला 14,000 दिया, क्योंकि 3 दिन ही प्रॉफिट था, इसे 14,000 दे दिया मैंने इसको, 3,500 के हिसाब से 1:4 14,000 होता है। तो आप ही देखो इसमें आपको कितना रेड मिल रहा है, आपको कितना रेड मिल रहा है, सिर्फ मतलब ना 30% ही प्रॉफिटेबल है, मतलब आप अगर 70% आप लॉस करोगे फिर भी आप प्रॉफिटेबल इतना ज़्यादा हो। पहले बात समझ में आ गई आपको, और आपका समझना है दो कि मैंने यहाँ पर जो ये दिया थी कि 30% का, आप लोग जाके एक बार अपना PNL चेक करो, आपका ट्रेड बुक चेक करो, आप सब चेक करो, आप देखना आप बहुत दिन ग्रीन में थे, आपका 50% डे ग्रीन में होगा और 50% डे आप रेड में होगा, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं बना पा रहे, क्यों? क्योंकि आप इस सब चीज़ फॉलो नहीं करते हो। ये आप समझ में आ गया आपको कि कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर देखो इसमें अगर 10,000 करके होता तो कितना हो जाता, 3 लाख हो जाता, 3 लाख 2 महीने में होने से आप एक बार जाके कैलकुलेटर मार के देखो, 3 लाख अगर 2 महीना हो जाता है, अगर CAGR कोई 25% हो गया ना, 25% हो गया, 2 लाख का 50,000 पर मंथ, 25% CAGR पर मंथ करोगे तो 2 लाख आपका 1 करोड़ बन जाएगा 18 महीना से पहले पहले 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली भी सही अप्रोच भी नहीं है इसको करने का, क्योंकि ये किसी आउटलायर के साथ हो सकता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं ये भी बताऊँगा सही अप्रोच इसका है क्या, कि हम लोगों को कैसे करना चाहिए, ठीक है। आपको मान लो आपका अच्छा हो गया, प्रॉफिटेबल चल रहा, हाउ टू स्केल, पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 3 क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्केल, स्केल कैसे, स्केल करने का दो तरीका है। आप जो एकदम मतलब जो कंजर्वेटिव है या फिर थोड़ा हल्का फुल्का मॉडरेट है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका कैपिटल मान लो 2 लाख का, जितना भी हो, 3 महीना 4 महीना 5 महीने में 2 लाख का कैपिटल, सो शिट मैन, 2 लाख का कैपिटल आपका 4 लाख हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, ये 2 लाख विड्रॉ कर लो, जो आपका कैपिटल है विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करके सेविंग्स में रख लो, FFD वगैरह कर लो, फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट कर लो, और जो 2 लाख है उससे फिर से ट्रेड करो, सेम स्केल में ट्रेड करो, उसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आप 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा तब आप क्वांटिटी डबल कर दो, आपका 2 लाख क्यों में क्वांटिटी डबल तब करोगे, क्योंकि 2 लाख आपका बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तब आपका 2 लाख का 2 लाख का 4 लाख जब हो जाएगा फिर से, तब आप क्वांटिटी डबल कर दो, फिर सेम अप्रोच, फिर 4 लाख 8 लाख हो जाएगा, फिर 4 लाख उठा के रख लो, फिर 4 लाख का जब 8 लाख होगा फिर क्वांटिटी डबल कर लो। ये एकदम सिंपल अप्रोच हो गया, एक मतलब एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच हो गया, फर्स्ट अप्रोच एकदम कंजर्वेटिव है। सेकेंड अप्रोच कौन सा है, थोड़ा एग्रेसिव है, ये कर सकते हो, ये करने से भी हो जाएगा, थोड़ा एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव ही है। तो सेकेंड वाला कैसा है, आपका 2 लाख का कैपिटल 3 लाख हो गया, 2 लाख का कैपिटल आपका 3 लाख हो गया, ठीक है, 3 लाख हो गया। अभी आपका कितना होता है पर डे रिक्स, 6,000 होता है, लेकिन आप तो पर डे रिक्स 6,000 होता है, तो आप क्या करोगे उससे, 3 लाख से 10 टाइम्स माइनस करोगे 6,000, तो 2,40,000 होता है, तो 2,40,000 आपका रिक्स है अभी, 2,40,000 रुपये आप अभी ट्रेड करो, 2,40,000 इंटू 2% मतलब कितना हो गया, 4,800 रुपये, तो 4,800 रुपये ही आप रिक्स लोगे अभी पर डे, 4,000 जहाँ लेते थे अभी 4,800 रुपये लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका, सेम ये वाला अप्रोच करेगा, जब 3 लाख का 4 लाख हो जाएगा, सब आपसे आपका 8,000 का हो जाएगा रिक्स पर डे, तो 8,000 इंटू 10 80,000, देन 80,000 माइनस 4 लाख, देन 3,20,000, 3,20,000 इंटू 2% 6,400। ये आपका एग्रेसिव अप्रोच है, ऐसा आप स्केल कर सकते हो, क्योंकि 10 ट्रेड्स क्यों बोला, क्योंकि 10 ट्रेड्स आप जब करोगे, 10 ट्रेड्स जब आप जब रखोगे तो आपका एक बफर रहेगा कि हाँ 10 ट्रेड में नुकसान कर पाऊंगा तब जाके मेरा वो कैपिटल टच रहेगा, तो इसलिए ये बफर रखना ज़रूरी है, थोड़ा बफर तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी और एक बात कि
हाउ टू मैनेज ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन कैसे मैनेज करें, ड्रॉडाउन कैसे मैनेज करें, ठीक है। ड्रॉडाउन मैनेज करने का आपका एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एकदम एक ही तरीका है इसका। अब जब आपका कैपिटल मतलब आपका जब ट्रेड 10 ट्रेड कंजिक्यूटिवली लॉस में जाए, 10 ट्रेड 10 ट्रेड्स जब कंजिक्यूटिवली मतलब आपका 5 दिन कंटिन्यू नुकसान हुआ है, कंटिन्यू, कोई इस वक्त कोई कंजर्वेटिव है तो 4 दिन कर सकता है, मतलब 8 ट्रेड मतलब कॉन्स्टेंटली या कंजिक्यूटिवली 8 ट्रेड अगर लॉस में जा रहा है तो वो अपना नेक्स्ट एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए कैपिटल कैपिटल पोजिशन साइजिंग आधा कर दें। अगर 10 ट्रेड या फिर 8 ट्रेड कंजिक्यूटिवली आपका लॉस में जा रहा है तो नेक्स्ट कम से कम 7-8 ट्रेड आप हाफ पोजिशन साइजिंग में काम करोगे, मतलब आपका हाफ लॉस होगा तब, ठीक है। ये ऐसा आपको ड्रॉडाउन मैनेज करना है क्योंकि आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है तब, तो इसलिए साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। व्हेन कैपिटल विल ग्रोज हाउ टू मैनेज इट, ये बहुत लोगों को नहीं पता, सॉरी या पहले थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसको भूल जाना। तो कैसे करना है, व्हेन कैपिटल विल ग्रोज हाउ टू मैनेज इट, कैसे मैनेज करना, कैपिटल जब ग्रो होगा, अब जब कैपिटल ग्रो होगा आप सेम अप्रोच से काम करोगे, नहीं, द आंसर इज बिग नो। जब आपका कैपिटल 25-30 लाख हो जाएगा आपके 2% से काम करोगे पर डे, नहीं तब आप 1% 1.5% मैक्सिमम, अगर आपका 50 लाख हो जाएगा तब 1% में आ जाओगे, जब आप 1 करोड़ हो जाएगा तब आप शायद 0.5% में आ जाओगे, जब आपका 5 करोड़ हो जाएगा तब शायद आप 2.25% में आ जाओगे पर डे रिक्स। तो व्हेन योर कैपिटल विल ग्रोस तब आपका धीरे धीरे रिक्स एपेटाइट कम कम होना पड़ेगा और कम होना भी चाहिए। लोग बोलते हैं नहीं कम मतलब इतना तो बनता है, नहीं इतना नहीं कर सकते। मान लो आपका 2 करोड़ का कैपिटल है, आप 2% लेने से मतलब क्या 4 लाख पर डे, आप 4 लाख का नुकसान लेने के लिए तैयार होंगे, कभी नहीं। 2 करोड़ का और 1 करोड़ का 1 करोड़ का 2 लाख होने से हाँ तो ठीक है, 2 करोड़ का 4 लाख होगा पर डे रिक्स, तो नहीं इतना नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपका तब क्या करोगे, अगर आपका 2 करोड़ कैपिटल है पर डे आप 1 लाख 1.5 लाख का लॉस लेने के लिए रेडी होंगे तो आप ये समझ लो 0.5% हो जाएगा, ऐसा टाइप का आपको मतलब मैनेज करना है तब कैपिटल को। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि तो सर लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलर्स मेक मनी, ऑप्शन बायर्स क्यों पैसा नहीं कमाते, क्या होता है इसमें। अब ऑप्शन सेलर्स मान लो एक ऑप्शन सेलर्स है जिसका 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, वो बैंक निफ्टी मान लो ट्रेड कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितना लॉट वो सेल कर सकते, ठीक है, आप बोलोगे हैज कर सकते हैं, आजकल हैज करके वो थोड़ा साइज बढ़ा लेगा, मान लो 20 लॉट 10 लॉट होता है ऐसे, 10 लाख में 10 लॉट मान लो 20 लॉट, 20 लॉट में अगर वो 20 लॉट में अगर वो मान लो मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, 20 लॉट में अगर मान लो 20 लॉट है ना, 20 लॉट इंटू 15 300 क्वांटिटी शॉर्ट किया हुआ, 300 क्वांटिटी शॉर्ट करने से अगर 300 क्वांटिटी में उसका मान लो 30 रुपये का लॉस है, फिर भी 9,000 रुपये, फिर भी देखो कितना 9,000 ओनली, तो उसका तो 1% हुआ ना। और ऑप्शन सेलर्स मोस्टली दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता है, अगर 2 ट्रेड भी लेता है फिर भी 2% के अंडर में आ गया ना वो, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 लाख में वो तो 20 लॉट ले भी नहीं सकता, अगर मान लो हैच करके लिया है फिर भी तो उसका 9,000 और 30 रुपये से ज़्यादा तो रखेगा ही नहीं क्योंकि वो ओटीएम सेल करेगा, ठीक है, ओटीएम सेल करेगा तो ओटीएम सेल में 30 रुपये से ज़्यादा तो स्टॉप लॉस रखेगा ही नहीं, तो आपका 2% ही हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो लोग बनाता है पैसा क्योंकि उन लोग का रिस्क ऑटोमेटिक मैनेज होता है, ऑटोमेटिक उन लोग का रिस्क मैनेज होता है, ऑटोमेटिक उन लोग का पोजीशन साइजिंग होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ऑप्शन बायर्स का क्या होता है, 2 लाख या 2 लाख ऑप्शन बाय कर लेगा, इसलिए नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बायर्स लूज मनी क्योंकि वो लोग सिस्टमेटिकली वे पे कर ही नहीं पाते। तो जब आपको ये पॉइंट्स बताया उसको अगर आप लिख के रख लो अच्छे से, इसको पूरा एकदम रट्टा मार के रख लो, आई कैन गारंटी यू आप पैसा बनाओगे और 2 महीने बाद आप ये करके देखो। और जब आप ये सब करने लग जाओगे ना कंटिन्यूसली, जैसे 1:3 1:4 ये सब फॉलो करने लग जाओगे ना, ये सब चीज़ें जब कंटिन्यूसली फॉलो करने लग जाओगे ना, तब जो आपका एक आपका जो एक मेंटल स्ट्रेंथ बनेगा ना उस ट्रेडिंग के अगेंस्ट में, जो एक आप बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजी लेके ट्रेड कर पाओगे, तो आपको पता है आप जब एक थोड़ा प्रॉफिटेबल भी होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप क्या कर पाओगे पता है, जो कुछ कुछ नहीं होता किसी दिन, मतलब मोस्टली होता है कि 1:10, 15, 20 ऐसा मिल जाता है, 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये पहुँच जाता है, आप वो सब भी कैच कर पाओगे, ट्रस्ट में वो सब भी आप आराम से कैच कर पाओगे।
दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जब आपको बिल्ड हो जाएगा तब तो इसे आराम से कैच कर पाओगे। और मैंने क्यों कहा कि ओनली एक्सपायरी ट्रेडिंग। ऑप्शन सेलर्स का मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, थीटा डी के, टाइम डी के जिसको बोलता है टाइम डी के। तो अभी आप ऑप्शन बायर, आपका कौन सा प्लस पॉइंट है आप वो भी तो सोचो। आपका कौन सा प्लस पॉइंट, आपका प्लस पॉइंट है गामा ब्लास्ट। तो गामा ब्लास्ट कब होता है, एक्सपायरी ट्रेडिंग में। ठीक है, हर किसी को अपने अपने जगह पे काम करना चाहिए। हाँ, अभी ऑप्शन सेलर्स का भी एक्सपायरी के दिन उन लोग का भी, उन लोग के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उस दिन भी थीटा बहुत ही फास्ट डिके होगा। लेकिन जब गामा ब्लास्ट होगा तब सबसे ज़्यादा डर उन लोगों को लगेगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑप्शन बायर्स को होगा गामा ब्लास्ट में। ठीक है, गामा ब्लास्ट में आप देखोगे एक मिनट में 10 रुपये का ऑप्शन, 5 मिनट के कैंडल में 10 रुपये का ऑप्शन 2 रुपये पहुँच जाता है। कैसे होता है ये, आप ये दूसरा दिन करके, आप दूसरा दिन दिखाओ मुझे, दूसरा दिन एक भी दिन दिखाओ। अगर वेडनेसडे में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आप इसको ट्यूजडे को करके दिखाओ, ये नहीं होगा 5 मिनट में, तो नहीं होगा। जितना भी फॉल कर ले, जितना भी जाए, नहीं होगा, बहुत रेयरली होगा ही नहीं। एक कोरोना टाइप का फॉल आना पड़ेगा, ऐसा टाइप का कुछ होना, पैनिक होना पड़ेगा, तब 10 रुपये का 2 रुपये होगा 5 मिनट में। लेकिन एक्सपायरी में आपको तो वीकली एक बार ऐसा मिल ही जाएगा, 10 मिनट में 10 रुपये का ऑप्शन 2 रुपये चला गया। तो आपके फ़ायदे के दिन आप ट्रेड करो। ठीक है, और कुछ और एडिशनल पॉइंट्स, जैसे कि आपको कब ट्रेड करना है। पहले जब फर्स्ट ट्रेड जो है आपका, ये जो फर्स्ट वाला ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए आपका, फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए, फर्स्ट ट्रेड आपका होना चाहिए अराउंड लाइक आपका 10:30 के पहले पहले आपका वो ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। 10:30 के नहीं, एक्चुअली 10:15 के पहले फर्स्ट ट्रेड प्लेस होना चाहिए। अगर तब तक आपको ट्रेड नहीं मिलता, डोंट ट्रेड, देन सेकेंड ट्रेड करो आप। हाँ, सेकेंड ट्रेड अगर मान लो इस दिन आपको फर्स्ट ट्रेड मिला नहीं, तो सेकेंड ट्रेड में आप क्या करोगे। सेकेंड ट्रेड में आप, आपका दो ट्रेड में 2000 का लॉस था मान लो, 1% हिसाब से 2000 का लॉस था, तो सेकेंड ट्रेड में आप 2500 का नुकसान कर लो, 2500 का कर लो आपका, 2500 कर लो, 2500 का रिस्क लूँगा मैं। ठीक है, 2500 का कर लो, उस टाइम पे 2500 का कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि आपका बचेगा ना। अगर 2500 लॉस हो, 2500 लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सेम आपको फर्स्ट ट्रेड तब करना है, और सेकेंड ट्रेड कब करना है, सेकेंड ट्रेड करना है आपको 12 बजे के बाद। सेकेंड ट्रेड 12 बजे के बाद, सेकेंड ट्रेड आपका 12 बजे के बाद मोस्टली होगा, 12 से 2:30 बजे तक ऐसा टाइप का। और थर्ड ट्रेड जो होगा वो हीरो जीरो टाइप का ही ट्रेड होगा, क्योंकि आपको हर दिन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोला दो ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के बाद ही आपको थर्ड ट्रेड करना। थर्ड ट्रेड ऑलमोस्ट हीरो जीरो टाइप का, 2 बजे के बाद जो ट्रेड मिलता है वही थर्ड ट्रेड होगा। तो फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड को समझ में आ गया, टाइमिंग भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अगर कोई भी मेरा मुझसे पॉइंट छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भेजाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और ख्याल रखना अपना।